हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू StockTrends.com। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का, वो क्या होता है और ये ट्रेंड लाइन इतना इम्पोर्टेंट कैसे है और इसको करेक्ट तरीके से ड्रॉ कैसे किया जाए। ट्रेंड लाइन एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। आप बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक का चार्ट। तो अपने तरीके से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ ठीक की है कि नहीं की है, उसका पता हमें नहीं चल सकता है क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। कोई इसके पीछे मैथमेटिक्स नहीं है कि ये पॉइंट पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो ठीक है। इस वीडियो में ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा समझेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए ट्रेंड लाइन को, और हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके शो करते हैं। तो मैं आपको एक बेस्ट इंडिकेटर बताऊंगा जो कि मैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं अपनी। तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके या फिर कोई भी मेजर स्विंग्स आइडेंटिफाई करके ग्राफ पर हम क्या आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं वो हम समझेंगे। बेसिकली हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कोई और लाइन चैनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा बेसिक आइडिया होता है कि हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आ चुके हैं। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे एक ऑटो ट्रेंड का फीचर होता है, वो हम बाद में देखेंगे कि ऑटो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाए, बट हमें ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट में हमने ये निफ्टी का चार्ट खोल लिया, ये 15 मिनट का चार्ट है। आप जिस टाइम फ्रेम में काम करते हो, जैसे इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल पे काम करते हो, 15 मिनट की कैंडल पे काम करते हो या डेली बेस कैंडल पे काम करते हो, वो टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं मोस्टली डेली की कैंडल्स पे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड करने का आइडेंटिफाई करता हूँ। अब दोस्तों ट्रेंड लाइन क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का इंडिकेटर दिया गया है, अब यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी ये कि ये एक ट्रेंड है और ये भी एक ट्रेंड है, ऐसे करके अब इतनी सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है ये हमको समझ में नहीं आएगा, तो चार्ट बहुत मैसी भी लगने लगेगा। तो ऐसे करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें ये पॉइंट लिया मैंने और ऐसे ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर दी। अब इसमें सही तरीका गलत तरीका कुछ भी नहीं है दोस्तों, बट एक तरीका जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करके अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी ट्रेंड लाइन मोस्टली करेक्ट होगी। तो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन हमको कैसे ड्रॉ करना चाहिए मैं बताता हूँ। ये जितने भी हमने ये ट्रेंड लाइन ऐड किए हैं इसको रिमूव कर देते हैं हम अपने ग्राफ से। हम ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, जो मेजर स्विंग्स पॉइंट होते हैं ऊपर की साइड में नीचे की साइड में, उनको कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो मेजर स्विंग्स पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप पहले अपने चार्ट को जूम आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि मेजर पॉइंट कौन से है। आप ये देख सकते हैं, तो आप ये मेजर पॉइंट देखिए, मेजर स्विंग्स पॉइंट देखिए, एक ये बड़ा वाला आपको साफ साफ देखे कि यहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा टर्न लिया है। एक स्विंग पॉइंट ये हो सकता है, एक स्विंग पॉइंट ये हो सकता है, एक स्विंग पॉइंट, बड़े बड़े जो स्विंग्स हैं ये स्विंग्स पॉइंट है हमारे, जैसे यहाँ पे आप एक एरिया टाइप का। और दोस्तों जब भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चैनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हो सकता, एक एरिया टाइप का होता है। तो ये हमारे बड़े बड़े स्विंग्स पॉइंट आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े, ये भी स्विंग पॉइंट है वैसे तो, ये भी देखा जाए स्विंग पॉइंट है, ये भी देखा जाए, बट ये छोटे स्विंग पॉइंट है। हमें साफ साफ बड़े स्विंग पॉइंट देख सकते हैं, जैसे ये भी एक बड़ा टाइप का स्विंग पॉइंट हो गया हमारा। तो हम ये बड़े स्विंग्स पॉइंट आइडेंटिफाई करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक टूल आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से ऐसे करके, ये एक लाइन हो गई, ये आपकी ट्रेंड लाइन। अब मिनिमम दो स्विंग्स पॉइंट को कनेक्ट करनी चाहिए, वो आपकी ट्रेंड लाइन होती है ऐसे करके। तो अब आपको इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, यहाँ से एक ये स्विंग हो गया, यहाँ से एक हमारा ये स्विंग हो गया, और यहाँ से हमारी ये एक स्विंग पॉइंट हो गए जो कि अभी ऐसे करके चल रहा है, और नीचे की साइड में इस टाइप के स्विंग पॉइंट हो चुके हैं। तो ये हमारी मैनुअल ट्रेंड लाइन ज्वाइन की है। तो इस ट्रेंड लाइन में ऊपर की जो लाइन होती है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और नीचे की लाइन जो होती है सपोर्ट की तरह काम करती है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ही हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो जैसे ही मार्केट इस पे आता है तो ये सपोर्ट की तरह लाइन काम करती है और बाउंस बैक हो जाता है। अगर इसके नीचे आगने लगेगा तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आ चुका है दोस्तों। मैं कुछ तो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके या पिछले वीक के एक जो लेवल होते हैं, पिछले दिन के जो लेवल होते हैं, उनको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो हमें स्ट्रेटजी में या स्टॉप लॉस लेके हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। अब दोस्तों
जैसा कि हमने देखा कि आप ट्रेंड लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी गलत या कोई भी सही चीज नहीं है इसमें। एक इंडिकेटर है दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और ट्रेंड लाइन सर्च करिए, ये WMXQ की ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको ये इंडिकेटर आपकी ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देगा। तो दोस्तों ये देखिए, आप ये रेड में देख सकते हैं, हमने यहाँ से और एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, इस इंडिकेटर ने ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड लाइन दो पॉइंट्स को जोड़ के बिल्कुल हमारी जो हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में हमने जो ट्रेंड लाइन करी थी, इस इंडिकेटर ने ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आपको अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ठीक से नहीं आता है तो आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देगा। जैसे अब हम अपनी ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, इस इंडिकेटर ने अपने आप डेली बेसिस के चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे इसने दो पॉइंट ज्वाइन किए, यहाँ पे दो पॉइंट ज्वाइन किए। जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ऊपर जाने लगा है तो अभी निफ्टी का ट्रेंड बुलिश एज्यूम कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये सारी चीजें 100% फॉलो होंगी, बट ये एक तरीका है कि मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ, पिछले वीक का या पिछले मंथ का हाई जो लो होते हैं, और इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो जो पिछले दिन का जो हाई लो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। तो ये इंडिकेटर ऐड करने के बाद अगर आप बैंक निफ्टी पर स्विच करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देगा। यहाँ पे निफ्टी में भी देख सकते हैं, और ये हमने डेली कैंडल के टाइम फ्रेम पे ऐड किया हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऐड कर सकते हैं। अपने आप ये ट्रेंड लाइन ये इंडिकेटर ड्रॉ कर देगा। तो दोस्तों मैं अगेन बता रहा हूँ, जो लेवल्स होते हैं, जो मेजर ट्रेंड लाइंस, पिछले वीक का हाई, पिछले वीक का लो, पिछले मंथ का हाई, पिछले मंथ का लो, कोई भी मेजर स्विंग्स पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर जाना मार्केट को या फिर नीचे आना, तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इसी को बेसिस पे लेके दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट पे एक टूल बनाया है। ये मेरे पर्सनल यूज के लिए है दोस्तों, क्योंकि मैं जो बताता हूँ तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर आप कुछ और यूज कर रहे हैं और हमें कुछ और बता रहे हैं। पहले आप ये देख लीजिए, हमारे चैनल पे मैंने एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके वीडियो डाला था, इसमें मैंने बताया था पिछले वीक का हाई, पिछले मंथ का हाई, इन पिछले डे का हाई हमें मार्क करके रखनी चाहिए आप सीरियस ट्रेडर हो तो, और उन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो आपको एक डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपकी पोजीशंस एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसी वीडियो के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक टूल बनाने का ट्राई किया। ये टूल दोस्तों पब्लिक नहीं है, अगेन मैं बता रहा हूँ, आप इस टूल को देख के सब्सक्राइब मत कर लेना, क्योंकि अभी इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक चलता है और मुझे अच्छा लगता है, और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ऑफकोर्स मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। पब्लिक मीन्स अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो इसको यूज कर पाएंगे। इस टूल में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये हर एक एक्सपायरी का मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पिछले वीक का हाई और पिछले वीक का लो ड्रॉ किया है मैंने, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, मुझे बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में क्या है, या तो आप पाइन स्क्रिप्ट लिखो बार बार, अभी मुझे पाइन स्क्रिप्ट लिखना आया नहीं है उतना कि मैं पिछले वीक का हाई और पिछले वीक का लो ड्रॉ कर सकूं। मैंने अपने इस वेबसाइट के टूल में ट्राई किया इसको डेवलप करने का, तो पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, अब ये देख सकते हैं ये पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो था। दूसरे दिन मार्केट खुला तो इसने जो पिछले दिन का हाई था ना उसको बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे टच किया फिर ऊपर चलने लगा मार्केट। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज या हमारी वेबसाइट पे टूल अच्छे लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और ऑफकोर्स हमारी स्टॉक स्ट्रीज वेबसाइट है, आप यहाँ के हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट में आपको ये सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।